मोटापा, पेट की चर्बी या कमर के आसपास की जिद्दी चर्बी इंसान के लिए सबसे बुरी चीज होती है और ये जान भी ले सकती है। जब बात हो वजन घटाने की तो ऐसे में हमारे मेटाबॉलिज्म की भूमिका बेहद अहम होती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा या तेज होगा ना दोस्तों, तो आपके लिए कैलोरीज को कम करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वहीं अगर आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा तो आपको ना एक्सरसाइज के बावजूद कैलोरीज जो होती हैं घटाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती हैं। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है देखिए, जिसमें हमारा शरीर खाने और पीने की चीज़ों को ना एनर्जी यानी ऊर्जा में तब्दील कर देता है। ये जितना दुरुस्त होगा ना, आपके लिए फैट्स को काटना उतना ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करेगा गुलाब की चाय यानी कि रोज़ टी। जी हाँ, आपको बता दूं कि गुलाब की पंखुड़ियों में ना विटामिन ए, विटामिन सी के साथ विटामिन ई, आयरन, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैल्शियम जैसे गुण पाए जाते हैं। ये ना सिर्फ पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है बल्कि वजन घटाने में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो आइए जानते हैं घर पर गुलाब की चाय बनाने का तरीका। गुलाब की सूखी पत्तियां या फिर ताज़ी पंखुड़ियों को पानी से अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इसके बाद में एक सॉस पैन में आपको 3 कप पानी डालना है और इसमें गुलाब की पंखुड़ियों को 5 मिनट तक उबालना है, ठीक है। इस पानी को छानकर एक कप में निकाल लेना है। अब इसके बाद में इसमें थोड़ा सा शहद और नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन करें। दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन आप कर सकते हैं। ये चाय वजन घटाने के लिए सबसे बढ़िया है। गुलाब की चाय को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए ना, जब आप इसे उबाल रहे हैं पानी में डाल के गुलाब की पत्तियों को, तभी आप अदरक और थोड़ी सी दालचीनी डाल के उबालें। उसके बाद में जब चाय तैयार हो जाए तो इसमें शहद को मिक्स करके पीजिए। ये चाय भी आपके वजन को घटाने में बढ़िया काम करेगा, आपके बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करेगा, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, जिससे कि जो आपके बॉडी में फैट है ना वो घटेगा, तो आराम से आपका वजन कम हो जाएगा। और ना दोस्तों, आपको बता दूं, ये आपके वजन को घटाने के अलावा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा से भरपूर होने की वजह से बालों और स्किन को भी हेल्दी बनाती हैं। इन्फ्लेमेशन और वजन एक दूसरे से लिंक होते हैं। गुलाब से बनी चाय से इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, यानी सूजन वाली, जो वजन घटाने में हेल्पफुल होती हैं, खास करके आपके पेट के और आपके कमर के आसपास की। साथ ही इसमें ना कैफीन की मात्रा ना के बराबर होती हैं, जो वजन को बढ़ने नहीं देती हैं। पाचन तंत्र और वजन दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सही पाचन क्रिया ना होने की वजह से वजन बढ़ता है। ऐसे में कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। गुलाब से बनी चाय का सेवन करने से आपका पाचन प्रक्रिया सुधरती है, जिससे वजन पर भी असर पड़ता है और वजन कम होता है। तो इसीलिए अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आज से ही पीना शुरू कर दीजिए दिन में 2 से 3 कप गुलाब की चाय। कम से कम आपको इसे 21 दिनों तक पीना है, फिर रिजल्ट्स आपके सामने होंगे।